तो पहले किसी ने यकीन किया है? मैं नहीं समझता कि अभी कोई यकीन करेगा, लेकिन जो है सो है। तो 1980 में दो झटकों के बाद, ये जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है जो सुनने वाले हैं उनको पसंद हो तो आप एडिट कर लेना बाद में, सिंपल एज दैट। खैर जी, मैंने 1980 में मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने तो कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना, बड़े पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शायद इस माशरे को, सिस्टम को, मतलब मेरे पढ़ने में कोई दिलचस्पी, लिहाजा मैंने बस बाय बाय कह दिया अपनी तालीम को, बाय बाय। खैर वक्त गुजरता गया, दोस्त यारों ने बड़ा फोर्स किया, यार तुम आगे क्यों नहीं पढ़ता? है ठीक है यार, बस पढ़ना, शायद आपकी साइकोलॉजिकल आसानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करूं, मेरे नसीब में नहीं था ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, लिहाजा मैंने छोड़ दिया। खैर वक्त गुजरता गया, तो कुछ तो करना होता है आपको जिंदगी में, कुछ कारोबार करना होता है, कुछ जॉब करनी होती है। तालीम तो थी नहीं, डिग्री भी नहीं थी, तो तालीम तो गई। कारोबार के लिए उस वक्त खैर पैसे भी नहीं थे, इतने नहीं थे कि मैं कारोबार करता। एनीवे, शॉर्टली ये कि मैंने सोचा यार कुछ करना चाहिए। बहरहाल अब कुछ इसमें ऐसा भी है कि अब चलो मैं कह देता हूं, 1985 में शॉर्टली मैंने स्टार्ट किया डॉप इंग्लिश लैंग्वेज पार्क के नाम से, उस वक्त डॉप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेरी क्लब था, फिर बाद मैंने चेंज कर दिया, बी रिसेंटली चेंज किया डॉप इंग्लिश लैंग्वेज पार्क। मैं समझता हूं कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान का तो मैं नाम नहीं लूंगा कि जी पाकिस्तान का पहला लैंग्वेज सेंटर, लेकिन बहरहाल केपीके प्रीवियसली सुबह सरहद जबान पे भी अच्छा लगता है, लेकिन खैर सुबह पश्तूनख्वा ठीक है, अच्छा नाम है। तो खैर 1985 में मैंने शुरू किया ये लैंग्वेज सेंटर। अब शुरू किया तो बस ये है कि काम चल पड़ा, उस वक्त के लिहाज से भी फीस अच्छी खासी थी, अभी तो खैर लोग मुझे बुचर कहते हैं, प्यार से कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं बुचर। यह कि मुझे अंदाजा नहीं था, मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि मैं अपने आप से भी शायद मैं बात नहीं करने वाला बंदा था कि मुझे ये काम करना पड़ेगा जिंदगी में, मेरे से में ये आएगा कि मैं लैंग्वेज खुद तो मुझे लैंग्वेज मेरी अपनी भी ठीक नहीं है, लेकिन बाल-बास औकात आपको ऐसे काम करने पड़ जाते हैं कि जो आप खुद नहीं करते लेकिन करने पड़ जाते हैं, वक्त आपको घेर घार के कहीं ले आता है, तो लिहाजा मैंने शुरू किया। लेकिन एक कमिटमेंट थी कि आप चूंकि मुझे करना है तो कमिटमेंट के साथ करना है, लिहाजा मैंने शुरू कर दिया 85-86 एंड देन बीच में खैर एक मुझे कहीं किसी एक स्कूल में काम भी करना पड़ा, फारिग था, बोर होता था तो उसी इलाके में स्कूल, अब मुझे नहीं पता क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे, नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन इतना बताऊंगा 700 रुपये मेरी फीस थी, सैलरी थी 700 रुपये, 7 लाख नहीं, 700 रुपये मेरी सैलरी थी, अच्छी थी, बस टूर लगा लेता था उससे। और यह है कि अब यह कि 7000 सैलरी नहीं है, फीस है सुबह सरहद का, सॉरी सुबह पश्तूनख्वा का महंगा तरीन लैंग्वेज सेंटर है, 7000 वो है इसकी फीस है पर मंथ। बस अब मैं यहाँ हूँ, ये शॉर्ट स्टोरी है। तो अच्छा ये बताइए सर कि आप फॉरेन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते रहे? हाँ, ये अलग कहानी है, मैं इनके साथ हूँ तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, स्पेनिश डिप्लोमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो स्पेनिश एम्बेसी में काम करते हैं, पिछले तकरीबन 7-8 साल हो गए उनसे मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, तो अच्छा वक्त गुजरता है, बहुत प्यारे लोग हैं, इंसान हैं, आप उनके साथ बैठे आपको लगेगा कि इंसानों के साथ आप बैठे। बहरहाल अच्छा सर ये बताइए कि अभी मौजूदा अगर देखा जाए तो आपके स्टूडेंट न सिर्फ लीजिए फॉरेन में हैं बल्कि इंग्लैंड और कनाडा में और यूरोपियन यूनियन में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे सर?
यार स्टूडेंट हैं, जा रहे होंगे तो मुख्तलिफ जगह, मैं क्या करूं? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं भी चला जाऊं, उनसे कहूं वीजा मुझे भेजो। खुशी होती है, फख्र महसूस होता है कि चलो जी मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या होगा तुम्हें पता है, किस दिन पढ़ने क्या जाते हैं? पढ़ना तो यह भी पढ़ सकते हैं, मानी जस्ट गद मानी तो ठीक है, पढ़ रहे होंगे, इट्स ओके। खुशी होती है, अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है कि चलो स्टूडेंट्स, कुछ मेरे हाथ से अच्छा काम हुआ इस मुल्क में। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, कुछ कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग दैट यूज टू बी माई बिलव्ड, स्टिल मेरी महबूबा है ट्रैवलिंग। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम पूछ रहे थे कि जिप्सी क्लाउड क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, तो मैंने कहा दैट्स माई ट्रैवलिंग नेम जिप्सी क्लाउड। एक्चुअली जिप्सी क्लाउड मेरे गिटार का भी नाम है, तो अभी दिखाऊंगा आज या थोड़ी देर बाद अगर तुम कहोगे। स्वीट थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, कि बड़ी प्यारी चीज़ है ट्रैवलिंग। जिंदगी का मजा लेना है ट्रैवलिंग, परिंदों की तरह जियो। अच्छा ये बताएं सर कि जो हमसायों की जंग थी वो हम अपने मुल्क में ले आए थे, जिसके नुकसान आज भी हम लोग भुगत रहे हैं, और ये जो रॉयल दंगल शुरू है पाकिस्तान को क्या पड़ी थी कि प्राय घर में जाके चला जाए। अब एडिट तो तुम करोगे, कहूंगा तो मैं सही। इट इज वेरी सिंपल के अगर ये सवाल आप पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान से पूछें, डिप्लोमेट हो, पॉलिटिशियन हो, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, गवर्नमेंट का कोई भी बंदा हो, आप उसे पूछे पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, जरूरत नहीं है, करेज नहीं है बताने की कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पंगा क्यों लिया। सॉरी टू से, ये लफ्ज आप बाद में एडिट कर लेना। इन्होंने अवाम को गोली दी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सबको पता है जिन्होंने किया, उनको भी पता है कि उन्होंने किया, ये जो कुछ हो रहा है उसका खमियाजा है। अवाम इसमें शामिल थी, 75% हाथ अवाम का है इस वक्त जो अवाम के साथ हो रहा है, 25% जो है गवर्नमेंट का हाथ है इसमें। अब मैं डायरेक्ट नुकते पे आता हूं, इन्होंने अवाम से झूठ बोला कि जी इन्होंने देखा कि अवाम को किस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, तो उन्होंने लॉलीपॉप दी अवाम को जहाद की। अंदर की बातें इन्हें पता था कि रशिया अफगानिस्तान में आया है, अफगानिस्तान से वो यहां आएगा, सबसे पहले उसने इन्होंने लोगों को ये डॉच दिया कि रशिया अगर आ गया तो इनकी जो है हया इज्जत वो सड़कों पर आ जाएगी, लोग बेहया हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, कपड़े उतार देंगे और माँ बहन की तमीज नहीं रहेगी। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इनको पता था कि रशिया अगर इधर आता है, इन केस अगर वो आता है तो इसे पूछ के ना आता, अगर रशिया तक, अगर वो अफगानिस्तान तक आ सकता है तो पाकिस्तान तक आने में उसको क्या प्रॉब्लम है, इन केस वो आता तो उनको पता था कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म होनी थी, लैंड रिफॉर्म, वो लैंड रिफॉर्म जाके दोनों को वो मिली हुई चीजें जो उनको खिदमत गुजारी के बदले मिली थी। खिदमत गुजारी कैसी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है किस कम खिदमत गुजारी, मैं पहले भी कह चुका हूं, शर्मनाक है मुझे हयात ये कहने में। वो मुफ्त की जमीनें जो उनको तोहफों में बख्शिश में मिली, अच्छा इसमें छोटी सी बात करता चलो, वो बचाने के लिए, वो बचाने के, क्योंकि उनके लैंड रिफॉर्म होनी थी उनको बचाने के लिए, तो इन्होंने डॉच किया कि अवाम को जात के नाम पर इकट्ठा किया, और अवाम को इकट्ठा किया, अवाम हुए तो अवाम का 75% इसमें हिस्सा है, ये जो मर रहे हैं अवाम इनका हिस्सा है। हम कहते हैं हुकूमत, हुकूमत तो वो तो ठीक है, इट्स ओके, अवाम भी तो भागी थी ना, आपने भी शायद तो हाथ तो ऊंचा किया होगा, जहाद अफगानिस्तान जिंदाबाद एंड इस्लाम जिंदाबाद। एक क्रिश्चन आपको आके कहता है कि जी जहाद जिंदाबाद, क्रिश्चन का आपके मतलब क्या ताल्लुक, क्योंकि उस वक्त उसके मफाद यकसा थे, आपको डॉलर चाहिए थे, अमेरिका के मफाद हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं, हम अपने मफाद को अमेरिका के मफाद से टैली करते हैं, उस जितना बताते हैं, उसके मफाद हमारी समझ से बाहर हैं, हमें नहीं पता कि अमेरिका, हमें यह तो पता है कि अमेरिका के मफाद हैं, लेकिन किस किस्म के, किस मैग्नीट्यूड के, यह हमें नहीं पता, यह हमें नहीं पता। खैर चंद डॉलर्स के लिए इन्होंने ऐसा किया, अवाम को धोखा दिया, जात के नाम पर इकट्ठा किया। इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें अवाम की कंसेंट शामिल है, अवाम की मर्जी शामिल। अब जो मर इंसान की बेस पे मुझे इनसे हमदर्दी है कि जी इंसान मरते हैं, लेकिन अगर बात लॉजिक की आती है तो मुझे इन पर जरा से भी तरस नहीं आता, नो मतलब सॉफ्ट फीलिंग फॉर दोस पीपल, मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं, इंसान पे है, इट्स ओके। आपको जब पता है आपने जो कल जो कुछ किया, आज आपको पता है,
बस आज एक काम करते हैं, उसका आपको पता है इसका क्या होगा, तो मैं आपके से हमदर्दी किस बुनियाद पे करूं? और हल आपने पूछा था, हल क्या है वो फिर कभी अलर्ट से आप थोड़ी देर बाद आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। फिलहाल ये असल ये था कि इन्होंने सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए अमेरिका के कहने पर इन्होंने अवाम अमेरिका ने कहा, इन्होंने कहा अमेरिका से कि हम अवाम को कैसे इकट्ठा करेंगे, तो अमेरिका इनको घर की इनकी खिड़की इनको दिखाता है। मसल रेवन डेविस के चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने कहा जी अब क्या करें, तो अमेरिका साहब बादर ने उनको कहा कि भाईजान ये आपका घर है ना, मैं जो तुमसे कहूं इम्तियाज, वो आपके घर की खिड़की दाएं तो ऐसे जाओ सीधा दाएं मुड़ो तो सामने खिड़की होगी, तो आप हैरान होंगे जावेद साहब आपको मेरे घर की खिड़की कैसे पता। तो इन्होंने कहा जी वो उसको कैसे छुड़ाएंगे, तो वहां भी हमारे गले पड़ जाएगी। तो अमेरिका ने कहा भाईजान मैं आपको खिड़की दिखाता हूं, आपके घर की खिड़की का नाम है दियत, ये दियत की खिड़की उन्होंने इनको दिखाई है, तो उन्होंने कहा दियत है ना, रेमंड डेविस साहब गए इधर से। तो इन्होंने कहा कि हम आवाम को इकट्ठा कैसे कर लें ये रशियंस के खिलाफ, इन्होंने कहा भाईजान बात ऐसी है कि टेक्निक हमारी अमल तुम्हारा, उन्होंने इनको डॉलर्स भी दिए गन्स भी दी गन्स बुलेट्स पैसा तो दिया दिया शॉवरिंग। तो इन्होंने कहा कि अच्छा जी वो नुकता बताइए आप इसमें आवाम को इकट्ठा कर, उन्होंने कहा जहाद इज देयर जहाद, उन्होंने कहा आप क्रिश्चन है आप मुसलमान है हम क्रिश्चन है तो अहले किताब, ये देखो ये तीसरा कौन है, ये तो ना तीन में ना तेरह में, मतलब रशियंस। उन्होंने कहा भाईजान ये तो मां बहन को भी नहीं समझते, वो कहा दैट्स गुड। तो इस तरह इन्होंने जहाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, लोग तो जज्बाती हैं, तो लोग जज्बाती जहाद के नाम पर इकट्ठा किया। अमेरिका ने इनको फिलहाल मैं ला इस्तेमाल करूंगा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, कहना तो मैं कुछ और जाता हूं वो ऑफ खैर बाद में कहूंगा। तो टिश्यू पेपर की तरह इन्होंने अमेरिकन इनको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब टिश्यू पेपर उछल रहा है कि मेरा क्या मुझे फेंक दिया, ओ भाई टिश्यू पेपर काम है उसको मुंह साफ करके उंगली और मींस के खैर वो साफ करके फेंक दिया जाता है। अब टिश्यू पेपर उछल रहा है कि मेरा इस्तेमाल क्या मुझे ये करो वो करो, अब टिश्यू पेपर की औकात क्या, इट मींस कि दे आर नॉट मोर देन टिश्यू पेपर्स, ये इनकी औकात है। तो फिलहाल तो मैं इतना कहूँगा और खैर बहुत कुछ है फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हो सकता है। वाल अच्छा ये बताएंगे ये जो मौजूदा इस टाइम बहरान है मुल्क के अंदर बिजली के हवाले से क्या महसूस करते हैं, क्या हल है? यार छोटी सी बात है, देखो आप बुरान बुरान करके मेरा दिमाग खराब करते हैं। पाकिस्तान में बिजली का बुरान है, पाकिस्तान में बिजली का बुरान क्या है, आवाम को चाहिए वो जो है बजट डिफेंस, मैं कहता हूँ हुकूमत को पैसे देने चाहिए टैक्स देना चाहिए आवाम को, कंजम्पशन ज़्यादा हो गया दरियाओं में पानी नहीं है, हुकूमत बेचारी क्या करे। आप कहते हैं बिजली का बुरान है, बुरान नहीं होगा, दो एसी तो तुम्हारे घर में लगे हुए हैं वो अलग बात है मेरे घर में नहीं है। मसला ये है कि भाई बजट बढ़ाया जाए, डिफेंस बजट बढ़ाया जाए, 86 रुपये तो ऑलरेडी हम देते हैं बहुत कम है, 95% बजट होना चाहिए और टैक्स ज़्यादा कर देने चाहिए। तो मतलब ये तो अवाम तो बड़ी अमीर है, मतलब ये बुरान कहाँ बुरान है, बुरान तो अवाम की वजह से बुरान है। लेकिन मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इस टाइम जो मसला है यूथ के हवाले से, क्योंकि वो बेचारे उनको कोई ऐसा मोबाइल चाहिए कि जो पानी से रिचार्ज हो ताकि रात को वो मतलब अपने दोस्तों से अपने चाहने वालों से लंबी लंबी बात कर सकें, टेक्स्ट मैसेजेस आ सकें, क्योंकि बिजली का ये बुरान जो है वो इन मसाइल की तरफ इशारा करता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यूथ के हवाले से अगर बात की जाए, इतने लंबे लंबे पैकेजेस हैं, इतने सब नेटवर्क दे रहे हैं, तो वो उनको प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर रहे हैं बेचारे लोग जो हैं हमारे नौजवान। प्रायोरिटीज की बात करें ना, अब आवाम की प्रायोरिटीज में इस ज़मीन में एक छोटी सी बात करता जाऊं, लोग कहते हैं मुझे कहते हैं जावेद साहब ये पाकिस्तान खराब हो रहा है नाकाम स्टेट है, मैंने कहा दीवानों पाकिस्तान नाकाम स्टेट है, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद तो पूरा हो रहा है ना। कहते नहीं जैसा आप हमारी बात ही समझे, मैं कहा शायद, कहते मेरा मतलब है बिजली ये मेडिकल फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं कहा खुदा के बंदो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो तो हाल हो रहा है, ये पाकिस्तान बनने की प्रायोरिटीज नहीं थी, ये तो तुम्हारे मसले हैं, तुम्हारे मसले जिन्होंने पाकिस्तान जिस मकसद बनाया था उनके मसले तो हल हो रहे हैं, उनका पाकिस्तान तो फल फूल रहा है खुशहाल है, अपने पाकिस्तान की बल्कि जी जैसा मुझसे यूँ बात करेंगे जैसा मेरे पाकिस्तान का क्या होगा, तो आपके पाकिस्तान का हाल मेरे पास नहीं है, उनका पाकिस्तान खुशहाल है। आप किस पाकिस्तान की बात करें, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो खुशहाल है, वलालम ये किस पाकिस्तान को बदहाल समझते हैं कि जी पाकिस्तान नाकाम स्टेट है बदहाल है, वो तो मकसद बिजली का बुरान तो इनका मसला नहीं है, अगर मुझे मेडिकल फैसिलिटी दस्तियाब नहीं है
या एजुकेशन मेरे बच्चों को नहीं मिली, या सड़कें टूटी फूटियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, डिपार्टमेंट्स मफलूज हो गए, तो ये तो मेरा मसला है ना, तो उनको क्या पड़ी मेरे मसले के तालुक क्या है। उनकी लॉन्ग टॉक्स जो है वो डिस्टर्ब होती है। हाँ, ये इसको मद्देनजर के फिर मैं कहूंगा कि बिजली का बोरान है, नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स, नो नो, यू आर राइट हियर। हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं, जिसमें ख्वातीन भी शामिल हैं, मर्द हज़रात हमारे नौजवान तबका भी शामिल हैं, क्योंकि रात गए तक लंबी लंबी बातें करने का खा है। मैं समझता हूँ कि अगर उनको रोटी वोटी अगर नहीं भी देते हैं, नहीं आपने उनके बड़ी दर्दनाक मुझे दास्तान सुने, मुझे इतनी ये मसले की ग्रेविटी का, मुझे नौजवानों के मसले की ग्रेविटी का मुझे अंदाजा नहीं था। अब मेरे अंदर दिल में सॉफ्ट कार्ड उनके लिए है कि यार नहीं, अब मुझे लगता है वाकई बुरान है, बिजली का बुरान है, उसको दूर होना चाहिए, जल्द अज जल्द दूर होना चाहिए। डेफिनेटली ऑफ कोर्स नहीं खुश होंगे, उनके दिल से दुआ निकलेगी हुकूमत पाकिस्तान के लिए। तो ये तो ज्यादती है, ज्यादती तो है ऑफ कोर्स। यार मैं एक बात बताऊं, देखें एक शख्स था, उसको बहुत सारे लोग मार रहे थे, वो शख्स जो जो मार खाता था वो हंसता था। एक था, उसने कहा यार खामखा हमारे हाथों ये मर जाएगा, तो उसने पूछा यार मेरी बात सुनो, क्यों हमारे हाथों मरना है, तुम जितनी मार खाते हो तुम हंसते हो, ऐसा क्यों है। उसने कहा जनाब बात सिंपल है, आप जो शख्स समझ के मुझे मार रहे हैं, मैं वो हूं ही नहीं, तो इस बात में मुझे हंसी आती है। मैंने पिछले उसमें मुलाकात में कहा था कि ये वो लोग हैं, मैं थोड़ा सा संजीदा, पहले भी खैर मैं संजीदा ही था, मैं संजीदा टॉक करूंगा। आपने मुझसे कहा जवेद साहब बिजली का मसला हल होना है, मेरे पास हल है, मैं नहीं बताता। अब तो मैं उस मकाम पे हूं कि मैं तो कहता हूं यार इधर ये मेरा नंबर है, अकाउंट है नेशनल बैंक का 70-48-0, ये इसमें पर इंटरव्यू आइंदा से आप मेरे पास ऐसे नहीं आएंगे, आप पर प्रोग्राम, प्रोग्राम है इंटरव्यू है, आप मैं फिगर आपको दूंगा, वो लाएंगे उसके बाद, ये तो मैं फ्री है, दोस्त यार हैं आप, इट्स ओके। तो आइंदा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मुझे आप ज़्यादा आप भी कमाएंगे, मुझे भी चाहिए, तो ये मेरी फिगर हो, कहूँगा भैया इस अकाउंट में डाल दो और जो कुछ पूछना पूछ लो, ठीक है जनमन, आइंदा से ये होगा, मुझे मैं मट्टी तो नहीं खाता। वो प्रॉब्लम ये कि आप एक हल बताओ, चलो मैं बताता हूं, ये पैदा आ रहा है बाकी तो पड़े, इसका बता दो बाकी के फिर पैसे होंगे। टू बी फ्रैंक, ये चीनी खोर कौम, ये गोश्त खोर कौम, ये आटा खाने वाली कौम, ये फ्रस्ट्रेटेड अपने ही साइकी के हाथों यरगमाल लोग, देखिए मैं आपको हुआ कर लूं, आपका हल है, आप कर सकते हैं, कुछ रैंसम दे के कर लेंगे, आप अपनी साइकी के हाथों यरगमाल है, मैं इसका रैंसम किसको दूं, तावान अगवात बड़े तावान उर्दू में, मोहताद उर्दू में बात करूं कहते हैं गालिबन, आप अपनी साइकी के हाथों यरगमाल हैं, इसका तावान मैं किसको दूं, रैंसम किसको भरूं कि आपको मैं आजाद करूं। ये वो लोग हैं अपनी साइकी के हाथों यरगमाल लोग हैं, इनका कोई मदद नहीं है।